so beautiful, so elegant, just looking like a मैं आ चुका हूँ अपने VN एप्लीकेशन में। VN एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से आने से डाउनलोड कर सकते हो। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद क्या करना है, नीचे में प्लस का निशान दिख रहा है, नीचे पे इस पर क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले अपने को 4 सेकंड का स्टार्टिंग का वीडियो है उसको ले लेना है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले उसको ले लेता हूँ और एक अपना वीडियो ले लेता हूँ जो कि चलने वाला रहेगा वीडियो, तो मैं एक वीडियो उसको ले लेता हूँ। लेने के बाद नीचे में ब्लू कलर का निशान दिख रहा है, नीचे पे इस पर क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद क्या करना है, ये ओरिजिनल पे क्लिक करना है और 9:16 रेशियो पे क्लिक करना है और डिस्प्ले पे टच कर देना है। उसके बाद क्या करना है, लास्ट साइड में आना है, जो ब्लैक वाला है उसको क्लिक करना है और डिलीट का निशान दिख रहा है, डिलीट कर लेना है। उसके बाद जो अपना चलने वाला जो वीडियो रहेगा उस पर क्लिक करना है और यहाँ से स्पीड पर चलना है और रेगुलर पे चलना है। इसको अपने को थोड़ा स्लो कर देना है और राइट निशान पे क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद क्या करना है, ये म्यूजिक का निशान दिख रहा है जिसमें प्लस का निशान, इस पर क्लिक करेंगे और म्यूजिक पे चलेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और 10 सेकंड का ऑडियो मिलेगा, ऑडियो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं ऑडियो को ले लेता हूँ। ऑडियो लेने के बाद राइट निशान पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, जो अपना चलने वाला वीडियो है उसके स्टार्टिंग में जो प्लस का निशान है इस पर क्लिक करना है और स्क्रॉल करना है और ये सैंक वाला है उस पर क्लिक करना है। अपने को 2 बार और क्लिक करना है, उसके बाद राइट निशान पे क्लिक कर देना है। अपने को सैंक वाला जो है FX को ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, जहाँ तक अपना ऑडियो है वहाँ तक वीडियो को रख लेना है। तो यहाँ तक मेरा ऑडियो है, बाकी बचा हुआ जो वीडियो उसको यहाँ से स्लिप्ट करूँगा और बचे हुए पार्ट को यहाँ से डिलीट कर लूँगा। इतना होने के बाद अपना वीडियो तैयार हो जाएगा, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। उसके बाद सेव करने के लिए यहाँ से ब्लू कलर का निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ स्पॉट लिखा है स्पॉट पे क्लिक करेंगे तो अपना वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो